मेरी प्यारी YouTube फैमिली, तो मैं घर पहुंच गई हूं। मुझे हो गए हैं 2 घंटे, ब्लॉग नहीं शूट कर पाए क्योंकि जो है फ़ोन में बैटरी नहीं थी और हम चार्जर ले जाना कल भूल गए थे जब हम भात लेके गए थे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ इसी तरह खुश रहिए। मैं भी खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और व्यस्त भी बहुत हूँ। अब देखिए मैं अभी आई हूँ, अभी चाय वगैरह बना के पी ली है और अभी फिर से जा रहे हैं क्योंकि आज है बारात। अब मेरे भांजे की शादी है तो बारात में जाना है। मेरे बच्चे वहीं पर है, बच्चों को लेके नहीं आए। हमारे घर में नंदिनी गाय है मेरी, तो उनके कारण हमें आना पड़ता है चारा पानी के लिए। उन्हें देखभाल करने की, उनकी देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो जल्द ही एक नन्ना सा मेहमान हमारे घर पर आने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में क्योंकि आज है यूपी की शहर वाली शादी। आज के ब्लॉग में देखेंगे, अभी तक आपने देखा कि हमारे गांव की शादियां मेरे घर में जो हुई कैसे क्या होता है वो सब देखा, लेकिन आज दिखाएंगे शाहजहांपुर के शहर की शादी, शाहजहांपुर शहर की शादी। तो देखिए हम तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों के कपड़े वगैरह। कल तो भात के कपड़े लेके गए थे और आज लेके जाएंगे हम अपने लोगों के कपड़े। तो ये देखिए इसमें है इस लोग का कोट पैंट, ये मेरी चूड़ी है और ये मेरी साड़ी झाँक रही है बैग के अंदर से। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये मोजे हैं, इस लोग की शर्ट है और यही सारे कपड़े हैं। वो मेरी पर्स रखी है पिंक कलर की, पार्टी वेयर पर्स मैंने मंगाई थी ऑनलाइन। फिर से जाएंगे शादी में, मस्ती करेंगे। शहर की शादी नहीं देखी, शहर की शादी देखेंगे। और कैसे लग रहे हैं मेरे झुमके? पहली बार जिंदगी में मैंने झुमकी पहनी है, कैसी लग रही? ये तो टट्टी है। पहन दी थी कल भर भर हाथ पहन के गए थे और अभी फिर से पहनेंगे। जैसे कपड़े, जैसे साड़ी पहनेंगे तो वैसी साड़ी पर की चूड़ी या फिर ऐसे नॉर्मल चूड़ी पहन लेंगे। बाकी शाम को जब बारात विदा होगी तो पहनेंगे, और अगर बारात में जाने का मौका मिला तब तो और भी सोने पे सुहागा क्योंकि बारात लड़की वालों के यहाँ दिखाएंगे। और इस शादी की एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हाँ, इस शादी की बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या है। और वो जहाँ शादी है वो लोग मेरे लिए भी कुछ खास हैं, उनसे मेरे 2 रिश्ते हैं। तो अगर जाना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी क्योंकि मैं अपनी लाइफ के हर एक इंटरेस्टिंग पल को, खुशियों भरे पल को कैमरे में कैद कर लेती हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि यादें रहती हैं, बहुत दिनों तक बनी। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे ब्लॉग में जो अब नहीं हैं लेकिन ब्लॉग में हैं वो, तो उनको देख लेते हैं। जैसे मेरी अम्मा हैं, मेरे मोहल्ले के 1-2 लोग हैं जो नहीं हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपका समय ख़राब नहीं करते हैं, करते हैं तैयारी और फिर जल्दी से यहाँ से अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के मिलते हैं। YouTube फैमिली, हम हो गए तैयार। मेरे बाल कैसे खुल गए हैं, ऐसे तैयार हुए क्योंकि शाम को बारात है तो वहाँ पर सही से तैयार होंगे। और जो है नंदिनी की वजह से थोड़ा लेट जा रहे हैं क्योंकि नंदिनी को अभी से अंदर बांध देंगे तो बेचारी उब जाएगी। बाकी हमारे पड़ोस में जिठानी रहती है, वो चारा वारा दे देती हैं। तो अभी देखिए मैंने मीशो से मंगाया था गाउन, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। और ये है मेरी नंदिनी जी, जो इनके लिए चारा देखिए कितना रख दिया है। और ये खड़ी हैं, जब हम लोग आए थे तो बैठी हुई थी। नंदू, हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। मेरी नंदिनी, मेरी प्यारी सी नंदिनी, मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी नंदिनी की। चारा रख देंगे हम लोग, बाव के पड़ोस पर रखते रहेंगे चारा वो लोग। थोड़ा सा और नीचे वहाँ रख दो, है कि रखते रहे। आज हम लोग फिर जा रहे हैं, आज का सफ़र नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। रोज़ रोज़ हम लोग शाहजहांपुर जाते हैं। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, लेट हो गए पहुँचने, बहुत काफ़ी ट्रैफिक था। YouTube फैमिली देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और बारात आगे जा चुकी है, आप लोग को दिखा भी नहीं पाए हैं लेकिन अब जा रहे हैं तो दिखाएंगे। ये चिंकी का है आजकल लुक, ये मेरे बिब्बू जी हैं और आपने मुझे तो देखा ही है। ये मेरी बड़ी वाली किचकंडी, थोड़ा स्टाइल में। ये है हमारा, कैसी लग रही है? मेरे हस्बैंड ने लेके दी और मैंने ब्लाउज सिला डिजाइनदार। ये हमारी जेठानी जी देखिए कितनी ब्यूटीफुल हम लोग लग रहे हैं।
वाओ ब्यूटीफुल। बारात से फाइनल मिल गए हम लोग। इतनी खुशी मुझे आज तक।
पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो अभी हम लोगों ने खा लिया है खाना और अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ में अब सोच रहे हैं कि रात में अपने घर चले जाएं या यहीं पर रुके। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इनसे कह देंगे हमें छोड़िए, हम घर चले जाएंगे, तो थोड़ा सा वहाँ का भी देख लेंगे और अब यहाँ क्या काम है ठंडक में।